वीडियो में मैं आप लोगों को 5 मिनट में डिप्लॉय होने वाले एक ऐसे साइबर सिक्योरिटी टूल के बारे में बताऊंगा जिसको सुन के आपको भी मजा आ जाएगा। ये टूल ना ही आप लोगों को सिर्फ वल्नरेबिलिटीज खोज कर देता है लेकिन आप लोगों को बताता है कि आपके सिस्टम्स में एक्चुअली चल क्या रहा है। जरा सोचो कि आपके सिस्टम में किसी ने कोई फाइल ऐड करी या फिर मान लो किसी ने आपके सिस्टम में कोई ऐसी चीज इंस्टॉल कर दी आपके बिना जाने जो कि मे बी एक मालवेयर हो, तो कैसे आप लोग मॉनिटर करोगे कि आपकी किस पीसी में क्या चल रहा है, ये टूल आप लोगों को बताने वाला है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में जैसे कि आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर मैंने अपना लिनोड खोल लिया। अब जो भी मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ अगर आप लोग एग्जैक्टली फॉलो अलॉन्ग करना चाहते हो तो आप लोग एक्सेस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, जो कि आप लोगों को देखा 60 डे के लिए 100 डे क्रेडिट लिनोड में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं आ जाऊँगा अपने अकामाई मैनेजर में या हमारे लिनोड पर क्लिक करूंगा। एंड यू नो व्हाट, व्हाई आई लव दिस, मेरा फेवरेट प्रोवाइडर ही इसलिए क्योंकि मैं मार्केट प्लेस में जाकर सीधे यहाँ पर लिख सकता हूँ एक ऐप का नाम और उस ऐप को एकदम स्टार्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुझसे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल दूँगा भाई, harry@codewithharry.com। एडवांस ऑप्शंस की छेड़खानी मैं नहीं करना चाहता। अभी यहाँ पर ये कह रहा है sudo यूज़र टू बी क्रिएटेड फॉर द लिनोड। अच्छा, एडवांस्ड यूज़र्स, अभी हम लोग एडवांस ऑप्शंस बिल्कुल भी यहाँ पर छेड़ने वाले नहीं हैं, बट लेट्स एड अ sudo यूज़र एटलीस्ट यार। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि रूट लिखेंगे और यहाँ पर, और हमने एक पासवर्ड दे दिया और यहाँ पर लिनोड API टोकन मुझसे मांगा जा रहा है। और मैं क्या करूँगा, सब कुछ स्किप करते हुए Ubuntu 22 इमेज सेलेक्ट करूँगा। रीजन में मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ मुंबई, ठीक है। और यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ शेयर्ड CPU में लिनोड 4GB, 2GB और 1GB के साथ ये काम नहीं करता है, लेट मी टेल यू, कहीं आपको आने वाले टाइम में दिक्कत हो। इसके बाद यहाँ पर रूट पासवर्ड जल्दी से चुन लेते हैं और ऊपर जो हमने पासवर्ड चुना है वो आई गेस वाजे का पासवर्ड है, तो मैं काम करता हूँ इसको अभी ये ऑप्शन लेते, इसको रहने देता हूँ, ये मशीन का पासवर्ड नहीं है, वाजे का एडवांस ऑप्शन है। नीचे जो मैंने पासवर्ड लिया है वो मैंने चुना है बस, और मैं यहाँ पर अभी जल्दी से क्रिएट लिनोड पर क्लिक करता हूँ, चाय कॉफ़ी खाना पीना खा के आता हूँ और फिर हम मिलते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्च लिस्ट कंसोल में जाओगे तो आप इसकी लाइव प्रोग्रेस देख सकते हो कि भाई क्या चल रहा है, क्या किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर लॉन्च लिस्ट कंसोल में आ गया हूँ और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी लाइव प्रोग्रेस की क्या चल रहा है। देखो भाई साहब टाइम लेगा ये, मैं आपको बता रहा हूँ, और काफ़ी टाइम लेता है, तो मैं 5-10 मिनट इसको छोड़ दूंगा और ये पूरी प्रोसेस जब तक हो नहीं जाती तब तक वापस नहीं आऊँगा मैं। और मैं आप लोग को एक बात और बताता हूँ कि आप उतनी देर में इसके अंदर SSH करने की तैयारियाँ कर लें, क्योंकि आप यहाँ पर जैसे ही SSH root @ ये करेंगे, आपकी मशीन तो बूट हो चुकी है ना, अपना पासवर्ड डाल के तो आप कर ही सकते हो ना, तो ये कर लो। और ये करने के बाद ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, मैं आ चुका हूँ अपनी मशीन के अंदर, ठीक है। तो मैं htop लिख कर भी देख सकता हूँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितनी रैम यूज़ हो रही है, बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मैं अपने कीबोर्ड में क्यू दबाऊंगा और htop जो है एग्जिट हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब मुझे पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा। आप क्या करें, आ जाएं इस मशीन में, ls करें, और आप यहाँ पर देखेंगे ls -lart जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर एक फ़ाइल होगी जिसके अंदर आपको आपका पासवर्ड मिलेगा। तो ये deployment-secrets.txt करके फाइल है, तो आप क्या करें, सिंपली आप लोगों को या तो विम से खोल लें या फिर कैट कर लें या फिर टेल कर लें, ठीक है। मैं विम से ही खोल लूँगा deployment-secrets.txt। यहाँ पर आ गए हैं हमारे सारे पासवर्ड्स, आप देख सकते हैं वाजे डैशबोर्ड में, अगर आप लोग लॉगिन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है। वाजे डैशबोर्ड यूज़र फॉर एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन विद वाजे इंडेक्स है, तो ये सारे आपको यहाँ पर मिल गए हैं पासवर्ड्स। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एडमिन लिखने के बाद ये वाला पासवर्ड ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जाऊँगा सेटिंग्स में, इनफैक्ट मैं ये IP एड्रेस कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं IP एड्रेस को पेस्ट करता हूँ। फॉरबिडन आ रहा है, आई गेस मुझे यहाँ पर इसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम डालना होगा, जो कि मुझे मिलेगा सेटिंग्स में जाकर, नेटवर्क में जाकर एक्चुअली, और यहीं कहीं होना चाहिए, मैं ढूंढ रहा हूँ, एंड आई थिंक मैंने इसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम कॉपी कर लिया है। और जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा, ये अभी भी फॉरबिडन बता रहा है, लेट्स वेट फॉर इट। एक्चुअली मैंने HTTPS लगाया तो लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ एडमिन और टर्मिनल से मैं कॉपी करने वाला हूँ अपना पासवर्ड, तो मैं अपना पासवर्ड कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट करके मैं जल्दी से लॉगिन कर लूँगा।
और यहाँ पर मैं अपने वाज़े डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। और यहाँ पर देखो, ये जब आप लॉगिन करते हैं पहली बार तो इनिशियल सेटअप करता है, और ये इनिशियल सेटअप कर रहा है, क्या क्या कर रहा है आपको दिखा भी रहा है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए तो सेव नहीं करना चाहता पासवर्ड अपना, क्योंकि मैं याद कर लूँगा, ये छोटा सा तो पासवर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इतनी तो मेमोरी है ही मेरी। अब आप यहाँ पर देखो, ये कह रहा है नो एजेंट्स वर एडेड टू द मैनेजर, यानी कि अब देखो ये काम किस तरह से करता है वाज़ा जो है, ये बेसिकली हमारे सर्वर में इंस्टॉल्ड है, ये सर्वर से हमारी पीसी को मॉनिटर करेगा, और हमारी पीसी इस सर्वर के लिए एक एजेंट है। ये जो वाजे है सर्वर में इंस्टॉल्ड, ये है मैनेजर, तो मैनेजर एजेंट को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, तो हमें एक एजेंट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐड एजेंट पे जाऊंगा, और ये मुझसे पूछ रहा है, भाई साहब ये बताओ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो आप, विंडोज़ करते हो तो विंडोज़ पे क्लिक करो, भाई मैं तो मैक पे करूँगा, मैं हूँ मैक में, ठीक है। अभी कह रहा है चूज़ द वर्जन, मैं अभी यहाँ पर सियरा यूज़ करता हूँ, इनफैक्ट मैं वेंचुरा यूज़ करता हूँ, बट वाजे में वेंचुरा आया नहीं आई गेस, तो मैं इसको सियरा प्लस लिखा हुआ है, तो आई गेस वेंचुरा भी आता है इसमें। और मैं एप्पल सिलिकन, और इसी के साथ साथ ये कह रहा है कि भाई ये जो है ये मुझे बता दो, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चिपका दो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इट कैन बी एन आईपी एड्रेस ऑफ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एजेंट का नाम डालूंगा हैरीज मैकबुक प्रो। अब ये कह रहा है भाई ये क्या डैश वैश डालने लग गए, मैक लिख देते हैं बस, छोटा सा नाम, बहुत बहुत सही है। अब ये कह रहा है सेलेक्ट वन और एग्जिस्टिंग ग्रुप्स, इसमें आप डिफ़ॉल्ट कर दें, और इसके बाद ये कह रहा है कि आप इस कमांड को कॉपी करो, अपने टर्मिनल में आओ, एक नई टैब खोलो, टर्मिनल की एक नई टैब खोलेंगे, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू टर्मिनल, न्यू विंडो ही खोल लेता हूँ, डाउ यार, और इसको पेस्ट मार दे। और ये कह रहा है भाई पासवर्ड बताओ, ये लो भाई पासवर्ड मेरा, पैकेज नेम इज़ वाजा एजेंट, इंस्टॉल कर रहा है बेस पाथ पर, बहुत बढ़िया, लगे रहो मुन्ना भाई, इंस्टॉल करो जब तक मैं ये देखता हूँ। ये कह रहा है इसके बाद आपको ये कमांड कॉपी करके स्टार्ट करना होगा एजेंट, तो मैं इसको कॉपी करके रेडी रहता हूँ और इसको इंस्टॉल करूँगा। और यहाँ पर अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि इंस्टॉल तो बड़ी जल्दी इसने कर दिया, और इसको मैं पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद आप देखें स्टार्टिंग वाजे 4.5.1, ठीक है स्टार्ट हो गया, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ भाई, इतनी देर में तो मेरी पुरानी सेंट्रो भी स्टार्ट हो जाती है। हाँ ठीक है, हो गया कंप्लीटेड। अब हम क्या करेंगे कि ये सब तो हमारा हो चुका है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो आप ये डॉक्यूमेंट जो है पढ़ लें। अब वाजा की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, और वहाँ पर आप लोगों को वाजा कैसे यूज़ करना है इसके बारे में डिटेल में मालूम चलेगा, बहुत सारे यूज़ केसेस हैं जो कि आप लोगों के लिए वाजा को यूज़ करना, इस्तेमाल करना बेहतर आप लोगों के लिए बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देखना। लेकिन मैं अभी यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर आऊँगा, एजेंट्स में आऊँगा, इनफैक्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा और एजेंट्स में क्लिक करूँगा, और यहाँ पर एक्टिव देखो यहाँ पर इसने दिखा दिया है। मैं आपको बता दूँ विंडोज़ के साथ मैंने इसको ट्राई किया है, और थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको यहाँ पर डिसकनेक्टेड में दिखाएगा आपका एजेंट। तो क्या होता है कि विंडोज़ के अंदर थोड़ा सेटअप, आई डोंट नो वाई, टाइम लेता है, ये मुझे बहुत जल्दी देखने को मिल गया एक्टिव में। तो मेरी जो मैकबुक है वो एक्टिव अभी बता रहा है, मैक ओएस 14.0 आप यूज़ कर रहे हैं, इसको मैं खोलूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट स्कैन इसने कौन कौन से करे, ये बता रहा है कि भाई अभी इसने ये स्कैन किया, कितने फेल्ड हो गए, कितने एप्लीकेबल नहीं है। अब आप यहाँ पर देखो, जैसे ही ये स्कैन किया, ये कह रहा है कि भाई पोर्ट शुड नॉट बी 22, प्रोटोकॉल शुड बी सेट टू 2, रूट अकाउंट शुड नॉट बी एबल टू लॉग इन, तो ये सारी चीज़ें ये मुझे देख देख कर बता रहा है, और ये चेक करके बता रहा है कि कौन कौन से सिक्योरिटी ऑडिट्स फेल हुए, कौन कौन से सिक्योरिटी ऑडिट्स पास हुए। उसी के साथ साथ अगर मैं कुछ भी करता हूँ अपनी मैक में तो वो मुझे इवेंट्स में देखने को मिलेगा। अब आप देखो कि ये यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली, अगर कंप्यूटर में आपके आ रही हैं ये सारी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़, यू नीड टू हैव अ लुक एट इट। अब देखो ये बहुत सारी चीज़ों को नेटपिक भी करता है, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग कहोगे कि यार इतना ज़्यादा सिक्योर भी नहीं होना चाहिए, बट अगेन ये आपको अपना काम करके दे रहा है और आपको पूरा सिक्योरिटी ऑडिट दे रहा है। अभी मुझसे कह रहा है इंश्योर पासिंग पासवर्ड हैशिंग एल्गोरिथम इज SHA 512, ठीक है। तो ये सारा मुझे यहाँ पर बता रहा है, मेरा कंप्यूटर स्कैन करके मुझे दे रहा है। अब सबसे बढ़िया चीज़ इस टूल की ये है, ये है ओपन सोर्स, क्योंकि अगर ओपन सोर्स नहीं होगा तो इस तरह का टूल इंस्टॉल करना एंटरप्राइजेस के लिए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही मतलब वो तो नहीं मानेंगे इंस्टॉल करना, वो कहेंगे यार हम एंटरप्राइज हैं, तुम मतलब कह रहे हो कि हाउ कैन यू ट्रस्ट यू विद आवर डेटा, तो वो चीज़ है, तो एंटरप्राइज कभी ये नहीं मानेगी। लेकिन अभी क्योंकि वाजे ओपन सोर्स है, लोगों को पता है,
और वाजा जब कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होता है ना, तो वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो सकता है अगर वो कुछ भी गलत कर रहा है, तो सब पता चल जाता है, तो वो गलत कुछ करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक भरोसा होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि यार ओपन सोर्स अगर है तो क्या, सो वॉट, तो सो दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्कैन करता रहेगा और चीज़ें बताता रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें ये बताता है। इनफैक्ट आप अलग अलग एजेंट्स को मॉनिटर कर सकते हो। अब जो मेरा यहाँ पर ये सर्वर है जिसमें वाजा इंस्टॉल्ड है, वो 4GB रैम है, तो इसकी भी अपनी लिमिटेशन है। अगर आप 100 कंप्यूटर्स मॉनिटर करना चाहते हो तो आप 100 कर तो सकते हो, लेकिन अगेन आई एम नॉट श्योर कि आपके 4GB का सर्वर जो है वो कितने हैंडल कर पाएगा। समझ लो आप मैं क्या कह रहा हूँ। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स को मॉनिटर करना चाहते हो, यू आर बेटर ऑफ यूजिंग बिगर मशीन, ठीक है। तो आप यहाँ पर शेयर्ड लेनोड यूज़ भी मत करना, फिर तो डेडिकेटेड मशीन ही बना लेना। तो ये है वाजे, इस तरह से काम करता है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाती हैं। मैं अपने हैरीज मैक के होम में आऊँगा, बहुत सारी चीज़ें अभी स्कैन कर रहा है तो इसको टाइम लगेगा। तो ये अपना काम जो है बैकग्राउंड में करता रहेगा, आप अपना काम अपने कंप्यूटर में करते रहें, और आपको बहुत सारे ऑडिट्स ये ऑटोमेटिकली निकाल के देगा। और अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में जाना चाहते हैं तो ये टूल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसको एक जगह से मॉनिटर कर सकते हैं, और कहीं से भी इनफैक्ट मॉनिटर आप कर सकते हैं। व्हेन आई से एक जगह से मॉनिटर कर सकते हैं, आई मीन द सर्वर, एक सर्वर में सारा कुछ जा रहा है, लेकिन आप उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं इस दुनिया में कहीं से भी, एज लॉन्ग एज आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है। तो आई होप कि आप लोग को ये काफ़ी बढ़िया लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा, और मेरे हिसाब से इस टूल में बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने को। अभी यहाँ पर मुझे MITRE रिजल्ट्स बता रहा है, जिसका मतलब ये है कि MITRE बेसिकली क्या होता है, एक डेटाबेस होता है, कुछ सेट ऑफ नोन टेक्निक्स होती हैं जो कि हैकर्स यूज़ करते हैं आपकी मशीन को हैक करने के लिए। तो अगर कोई भी MITRE अटैक के लिए आपकी PC या आपका मैक कुछ भी वल्नरेबल है तो ये आपको बता देगा। फिर कॉम्प्लायंस की बात करें अगर, तो बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे GDPR है, GBG 13 है, ये सारे कंप्लायंसेस में से क्या आपकी PC इन कंप्लायंसेस को फॉलो कर रही है कि नहीं। जैसे आप अगर इनमें से कोई भी GDPR को अगर आप गूगल करते हो, मान लो ठीक है GDPR कॉम्प्लायंस, ठीक है, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कि GDPR कॉम्प्लायंस क्या है, क्यों है, और किस तरह से आपको प्रोटेक्ट कर दिया। तो बेसिकली ये आपकी मशीन को स्कैन करके बता रहा है कि आप कौन कौन से इन सारी कॉम्प्लायंसेस में कॉम्प्लायंट हैं, ठीक है। अब आप अगर लेटेस्ट स्कैन्स में जाए हैं और आपने यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स के अंदर के जो स्कैन्स हैं उनको देखें, तो ये मुझे बता रहा है कि SSH हार्डनिंग पोर्ट शुड नॉट बी 22। अब अगर मान लो मैं टैक्स से भी नहीं हूँ, मैं कहूँगा यार क्या, ठीक है, अगर किसी ने मुझसे कहा SSH हार्डनिंग प्रोटोकॉल शुड बी सेट टू 2, तो आपको ये एजुकेट भी करता है कि भाई इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा हेयर इज द रैशनल कि चेंजिंग द डिफॉल्ट पोर्ट यू मे रिड्यूस द नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटैक्स फ्रॉम ज़ॉम्बी बॉट्स। तो बेसिकली क्या है, बहुत सारे बॉट्स लोग डिप्लॉय करते हैं जो कि अलग अलग कंप्यूटर को, आपके कंप्यूटर को, आप ये सोचोगे मेरे कंप्यूटर को कोई क्यों अटैक करेगा, अरे भाई आपके कंप्यूटर को नहीं कर रहा अटैक, वो आपका नाम लेके, आपकी सिटी का नाम, मोहल्ले का नाम, नहीं भाई आपको नहीं कर रहे, वो बल्क में करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को, और जो लपेटे में आ जाते हैं ना उनका हो जाता है काम फिर, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि उनसे कैसे बचना है, ये रैशनल है, ये रेमिडिएशन है, किस तरह से चेक करना है, क्या करना है, थोड़े बहुत गूगल सर्चेस के बाद आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पता चल जाने वाला है, चीज़ें आसान कर देता है। अब अगर मान लो आप कहते हो कि यार ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया, तो ये आपको रैशनल बताता है ये चीज़ क्या होती है। अब इसको गूगल करके आप पढ़ सकते हो, उसमें से कोई भी वर्ड समझ में नहीं आती, भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, और इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, फिर चेक कैसे करना है ये बता रहा है, कौन सी कॉम्प्लायंस के तहत ये आता है सब आपको बता रहा है। तो आप बेसिकली अपने कंप्यूटर में कोई भी वल्नरेबिलिटी है वो ट्राई कर सकते हो। वैसे एक बहुत बड़ा टूल है, ओपन सोर्स है, फ्री है, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप वाजे की डॉक्यूमेंटेशन पर डेफिनेटली जाओ और आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस के बारे में, मिटर अटैक के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। आई होप कि आप लोग को ये फ्रेमवर्क पसंद आया होगा, कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।